डीआर इवेंट क्रिएटर्स द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन दामोदर दास कंपाउंड स्थित कार्यालय पर किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर फैशन वर्ल्ड मैगजीन का विमोचन पूर्व मेयर डॉ. सत्या पांडे सहित अन्य अतिथियों द्वारा किया गया, जिसके संबंध में पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने कहा कि गोरखपुर के आसपास के जिलों तथा पूरे पूर्वांचल को एक नया मुकाम देने के लिए इस मैगजीन की लॉन्चिंग किया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चों को मॉडलिंग के साथ साथ पिक्चर में भी अपनी प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर एक इंसान के अंदर एक कला होता है जिसको निखारना जरूरी है। इस संबंध में डीआर इवेंट क्रिएटर्स की प्रोपराइटर दिव्या सिंह ने बताया कि यह मैगजीन शीघ्र ही एक ट्रेंड के रूप में स्थापित होगा और क्षेत्रीय प्रतिभाओं को उभारते हुए उनके हुनर को मैगजीन के माध्यम से दूर दूर तक पहुँचाने में कारगर साबित होगा। इस अवसर पर अभिनेता सीपी भट्ट, ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआर इवेंट क्रिएटर्स के प्रोप्राइटर दिव्या सिंह और पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने कहा, बहुत सारे इवेंट्स कराती है, चाहे किसी स्टार को लेकर हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज किसी को लेकर हो। और ये डीआर जो क्रिएटर है, फर्स्ट टाइम एक दिव्या सिंह, ये हमारी कंपनी का मैगजीन है डीआर इवेंट क्रिएटर्स। मैगजीन का नाम है हमारे फैशन वर्ल्ड। ये हमने इसलिए लॉन्च किया है कि हमें इन द फ्यूचर में क्लासेस डालने हैं, देन इंस्टीट्यूट डालना है कुछ बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए। ये सारे बच्चों के लिए, कुछ जो एनजीओ के बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, सिर्फ टैलेंट है उनके लिए है, विदाउट टैलेंट वालों के लिए नहीं है यहाँ पे कोई जगह। जो करना चाहते हैं और एक्चुअल में मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है, और जो हम लोग कह रहे हैं वो करेंगे, इसकी शॉर्टी है। सर, इसमें ये चीज़ है कि इसमें मतलब कुछ नया हम लोग करना चाहते हैं। जैसे इवेंट का मतलब होता है कि ऑल टाइप का इवेंट, बट हम लोग कुछ अलग करना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में है, वो बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और हम लोग पार्टीज़ वगैरह का भी थीम करते हैं, प्लस स्कूली बच्चों के लिए भी कुछ नया क्रिएट किया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास फोटोशूट वगैरह का भी है, ठीक है। और हम लोग इंस्टीट्यूट डालेंगे इन द फ्यूचर में, ये सारी चीज़ होंगी। इंस्टीट्यूट में हमारा एक्टिंग का, डांस का, सिंगिंग का, पर्सनैलिटी डेवलप का, जिसको मूवी में, एक्टिंग्स वगैरह में जो आना का, वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जा सकते हैं। हमें अथॉरिटी मिली अभी भोजपुरी इंडस्ट्री से, इन द फ्यूचर पूरी कोशिश है कि बॉलीवुड से वो मिले हमें अथॉरिटी। हर इवेंट के तत्वाधान में आज यहाँ पे गोरखपुर के क्षेत्र के साथ साथ यहाँ आस पास जितने भी ज़िले हैं, पूरे पूर्वांचल को एक नया मुकाम देने के लिए आज यहाँ पे ये मैगजीन की लॉन्चिंग हुई है। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे बच्चों को मॉडलिंग के साथ साथ पिक्चर में काम करने के लिए, मतलब उनके अंदर की प्रतिभाओं को उकेरने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और खुशी की बात है, आज के इस दिन में कॉमेडियन जो हिंदी पिक्चर के, भोजपुरी पिक्चर के कॉमेडियन जो बीच बीच में कॉमेडी कर भी रहे थे कि सांस लूँ कि ना लूँ, आंखें बाहर निकाल, मतलब हर अच्छी चीज़ में लोगों के मतलब कितना भी वातावरण हो उसको हंसी में करने वाले ऐसे सीपी भट्ट जी भी हैं, जो पिक्चर के एक मतलब फिल्म को एक लोगों के लिए एक मिसाल यहाँ कायम कर रहे हैं। गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, मैं इन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और इससे जुड़े हुए जितने भी हैं लोग, सभी को मैं ढेर सारी शुभाशीष, क्योंकि बच्चे हैं, इन लोगों को शुभाशीष भी देती हूँ कि ये लोग अच्छे काम को करें, क्योंकि कलाकार हर के अंदर एक कला है। ऐसा नहीं कि कला किसी के अंदर नहीं है। आप बचपन देखिए, बच्चों की ऐसे पैदा होते हैं, बोलने नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ही दिल को लुभा देती हैं, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। उनके उस का हंसना, मुस्कराना, रोना भी, लोग कभी कभी उन लेकर रोने के अंदाज पे भी लोग खिलखिला देते हैं। तो ऐसे जो डीआर कंपनी लोग ग्रुप बनाए हुए हैं, पूरे सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, सबके अंदर की प्रतिभाओं को उकेर के एक अच्छा मंच देने के लिए। और बात सही है,
कि यही गोरखपुर है। आज से 20 साल पहले, जबकि मैं अपने लिए ही बता दूं कि संगीत के क्षेत्र में मेरा भी, गायन में मैं प्रभाकर हूं, कथक में मैं फोर्थ ईयर हूं, लेकिन कभी भी स्कूली मंच के सिवा मैं बाहरी मंच में, हमारे परिवार में लोगों ने नहीं हमें अनुमति दी। अगर अनुमति दी होते संभवतः कला के क्षेत्र में कुछ हम लोग, हमें लोग जानते, लेकिन हाँ हमारा ही परिवार मुझे राजनीति के क्षेत्र में आगे किया। यानी कि यहाँ के लोग हैं जो अब मंच दे रहे हैं, बेटे भी मंच, मतलब किसी की माँ भी अगर मंच पे कोई काम कार्यक्रम कर रही है तो बेटा भी खुश होता है, पति भी इसका मौका देते हैं कि हमारी पत्नी के अंदर जो प्रतिभा है लोग उस प्रतिभा से कुछ सीखें, बहनों को बेटियों को भी लोग अपने घरों से ये मंच देने के लिए जो करें, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पे गोरखपुर क्षेत्र में किया है। और साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल को कि आपके माध्यम से और लोग भी जागरूक होंगे और अपने बच्चों के उन प्रतिभाओं को उकेरने में इस माध्यम को ज़रूर स्वीकारेंगे और उनकी कला को उकेरने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।